लगने खेला कैसा गेम, देसी बाबू इंग्लिश में, रोज नया है एक प्लान, तीर कहीं तो कहीं कमान, टेंशन में है हर बंदा, कैसे चलेगा ये धंधा, भैंस के आगे बीन नहीं, इम्प्रोवाइज़ी नहीं, मतलब क्या है वट्टा सट्टा, जो नो करवो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ न जाए इनका फट्टा, कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। अरे यार 4-5 हजार कार्टन कब तक इसके ऑर्डर देते रहोगे, इससे ज्यादा कभी दे दो यार। खुला दूध, तौबा करे तौबा, ये जो खुला दूध जो भैंसों का बिक रहा है, जहर जहर बिक रहा है जहर। आप एक काम करें ना, यही तो मैं कह रहा हूँ आपको, समझाएं जिले के लोगों को। हाँ ठीक है हो जाएगा। हमने इतनी अरबों करोड़ों रुपए की मशीन लेके दूध साफ करके फिर बेचना शुरू किया, ये समझाएं ये बातें लोगों को। हाँ चले ठीक है मैं वेट कर रहा हूँ आपके ऑर्डर। हाँ ठीक है, ओके। यार मजा आ गया यार। और सेठ साहब सीटी तो बजा दिया करें। अच्छा ये बताएं मार्केटिंग कैसी लगी आपको? अरे बाबा बिल्कुल बकवास की है। हैं क्यों? अरे बाबा गाय भैंसे जहर क्यों देंगी भला, वो तो खालिस दूध देती है, ये इंसान है जो उसमें हला भला मिलाकर जहर के करीब करीब ले जाता है बाबा। एक काम करें आप, अपना ना एक टिकट मंगवा लिया गाँव का। अरे बाबा एक क्यों, 3 टिकट होंगे ना, जरीना और सीमा भी साथ जाएंगे। लेकिन भला तुम हमें गाँव क्यों भिजवाना चाहता है? इसलिए कि जो हरकतें आप कर रहे हैं ना, कारोबार जल्द बंद हो जाएगा, आप भी वापस गाँव चले जाएंगे। अरे बाबा हमने ऐसा क्या कह दिया है, हम गाँव चले जाएंगे वो भी कारोबार बंद करके। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ब्रेकिंग न्यूज से आपको आगाह करते चले, शहर में खुला दूध बेचने वालों के खिलाफ क्रैक डाउन। बताया जाता है कि लोग खुले दूध में पानी मिलाकर बेच रहे थे, मुजम्मत पर लोगों पर पुलिस का लाठी चार्ज। जी हाँ अहम। अरे बाबा ये तो जुल्म हो रहा है हमारे दूध बेचने वालों के खिलाफ, कितना बड़ा ऑपरेशन। अरे बाबा जुल्म है, जुल्म की इंतहा है बाबा, कुछ करना पड़ेगा बाबा। अरे बाबा इधर आओ शाबाश, इधर आओ। बाबा तुम क्या दूध वाला है? बाबा तेल निकालने जा रहा हूँ, सही आप देख नहीं रहे, दूध देने जा रहा हूँ। अरे बाबा थोड़ी देर हमारी भी बात सुन लो, इधर आओ। अरे बाबा देखो तुम अभी दूध लगाने की बात नहीं कर रहे, सही देखो तुम नौकर लोग जो ना हम ये दूध लगा लेते हैं, फिर मालिक लोगों जब बिल भेजता है वो चिक चिक करता है। अबे ओ भाई तभी से बात कर, बाबा मैं ही मालिक हूँ। अरे बाबा तुम सिर्फ अपनी मर्जी का मालिक हो सकता, सही शाबाश अभी मालिक को बुला। अरे बाबा तेरे को कैसे समझाऊं, सबर कर। अरे बाबा हमारे गांव में बहुत सारे बाड़े हैं, उसमें बहुत भैंसे हैं हमारे पास बाबा, हमारा जद्दी पुश्ती काम यही है, अभी तो शादी हुआ है तो हम शहर में आया है बाबा। अरे बाबा हमको तो मालूम ही नहीं था हम कितना अजीम आदमी से बात कर रहा हूँ। सही अब ये बताओ अपने बाद भैंसे कितनी भैंसे? अरे बाबा तुम फिर वही बात करता है, भैंसे कितनी है बाबा? हमारे बहुत बाड़े हैं और एक एक बाड़े में कई कई भैंसे है बाबा। फिर भी कितनी भैंसे हैं? अरे बाबा तुम क्या एहतसाब ब्यूरो से आया है क्या? बस है इतना काफी नहीं है? सही हम तो ऐसे ही जानना चाह रहा था ना आपसे। अच्छा बाबा सब छोड़ो, ये बताओ कि धंधा कैसा चल रहा है? अरे सही काम का क्या है सही, आपको पता नहीं ये डब्बा दूध बनाने वालों ने हमारे काम का बेड़ा गर्क कर दिया है। अभी वो नए नाम वो पुराने नाम वाले आए थे ना, वो डब्बा लेके, क्या नाम है उसका, वो सही वो बकवास का नाम है सही उसका, वो बचू बचू, हाँ याद आया, सचू। अरे बाबा वो तो मैंने सुना है, सचू दूध वाले जो है वो बड़े अच्छे लोग हैं। अरे नहीं सही आपने गलत सुना है बाबा, वो तो दूध में केमिकल मिला के बेचते हैं बाबा। अरे बाबा तुम भी तो दूध में पानी मिलाकर बेचते हो। सही पानी तो कुदरती चीज है ना सही, पानी तो जिंदगी। हाँ बाबा ये तो है। अब सही आप जैसे बाड़ों का मालिक जो है ना वही सही हमारी आवाज ऊपर तक पहुंचा सकते हैं सही, हम तो गरीब आदमी। हाँ बाबा हाँ बिल्कुल बात करेंगे आगे, फिक्र ना करो बाबा। अच्छा सही मैं भी चलता हूँ, मेरे को आगे दूध भी देना। हाँ बाबा जाओ जाओ सही, चल बाबा आते जाते रहे ना, अपने जैसे लोगों से मिलके ना बड़ा अच्छा लगा। हाँ, हाँ सही भले भले मैं आऊंगा सही। ये सचू दूध के बारे में क्या कह रहा था? बच्चों को देखा है कहीं? मेरे पास रखवाया था क्या, मुझे क्या मालूम। ओ, कब से ढूंढ रही हूँ, पता नहीं कहाँ चला गया है। क्या तुमने मेरा आधा खो दिया? चुप करो जरीना, क्या हो गया है? चला गया वो
वो तो बेचारा इतना भोला पाला है, घर से बाहर गया होगा, पता नहीं कहाँ चला गया। मेरा दा। तुम इसकी पड़ी है? तेरी टेंशन हो रही है कि अगर किसी ने देख लिया तो मेरी इज्जत का क्या होगा? छोड़ो, मेरा दा गर्व हो गया, तुमको इज्जत की पड़ी है। चुप करो, चुप करो, चुप। बाबा अपनी इधर भी बहुत इज्जत है और उधर भी। अरे आप तो हम सब दूध वालों के माई बाप निकले। निकले क्या मतलब है बाबा, निकलता तो दूध है बाबा, हम तो तशरीफ लाए हैं। तो फिर की सोचा तुसी, साड़ी दुख तकलीफा कौन समझेगा? अरे बाबा परेशान होने की जरूरत नहीं, हम है ना बाबा, सब ठीक हो जाएगा बाबा, हम सब ठीक कर देगा बाबा, तुम बस हमसे मिलते रहना, ठीक है? समझ आ गई है? बच्चू तुम यहाँ बैठो। अरे बाबा पूरा मोहल्ला ढूंढ के आकर तुम यहाँ बैठो, ये कौन है तुम्हारे साथ? अरे बाबा ये मेरी बीबी है और सीमा ये दूध वाला है, अपनी बिरादरी का है बाबा। अपनी नहीं, तुम्हारी, तुम्हारी बिरादरी का है। सलाम बीबी जी। वालेकुम अस्सलाम। अरे अल्लाह हाफिज। बच्चों अंदर चलो जल्दी। हाँ बाबा चलो 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 बाबा चलो। अब बाबा आप चलो पहले, आप चलो हाँ। फिर मैं चलता हूँ, ऐसे चलना है क्या? तुम्हें ढूंढते ढूंढते पैर मुड़ गया मेरा। अरे बाबा ये तो बहुत बुरा हुआ है। समझ में नहीं आ रहा, अम्मा थी या बीवी? अरे बाबा मैं तो उससे हाल अहवाल ले रहा था। हे? मैं समझी तुम इसके रिश्ते के लिए लड़का ढूंढ रहे हो। क्या लड़का? अरे नहीं बाबा वो तो सिर्फ दूध वाला था। क्या मतलब दूध वाला? हे? तुम दूध वाले नहीं हो क्या? रॉकेट शिप बनाते हो? तुम भी तो दूध वाले हो, मैंने भी तो दूध वाले से शादी की है ना। हाँ बाबा की तो है और दूध वाला होने पे हमें फख्र भी बहुत है। तो अदा फिर आपने क्या सोचा? अरे तू चुप कर दी, क्या सोचा क्या सोचा, या मेरी बेइज्जती हो रही है तू कह रही, क्या सोचा? जी तो इसीलिए वो कितनी मर्तबा बोले कि फजूल में बाहर मत निकला करें। अरे बाबा मैं फजूल में नहीं किया था, ठंडी हवा खाने। सुने इस शहर की हवा ना हर किसी को रास नहीं आती समझे, और वैसे भी आजकल दूध वालों के खिलाफ शहर में क्रैकडाउन चल रहा है। ये भला क्रैकडाउन क्या होता है? ओहो मतलब कि पुलिस ना दूध वालों को ढूंढ ढूंढ कर धो रही है। ये तो भला बहुत अच्छी बात है ना, सब कुछ एकदम साफ सुथरा हो जाएगा, बिल्कुल चमकदार। ओहो जरीना वो वाला धोना नहीं। अरे बाबा ये बहुत बुरा हो रहा है हमारे दूध वाले भाइयों के साथ, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा मैं बस। अरे इधर उधर की सप्लाई छोड़े आप, सच्चू दूध है तो क्या जरूरत है खुले दूध। अरे सर मैं तो कहता हूँ खुला दूध पीने से अच्छा बंदा पानी पी ले, कम से कम डिहाइड्रेशन तो नहीं होगी। मैं तो एक बात और भी कहता हूँ, ये जो खुले दूध का कारोबार कर रहे हैं ना, इनका कारोबार बंद करा के इनका दूध इन्हीं को जबरदस्ती लिटा के पिलाएं। हाँ मैं तो ये बस, तो फिर 6,000 कार्टन कर दूं मैं। अच्छा अच्छा ओके ओके। अरे बाबा दूध वालों के बारे में इतनी बुरी बुरी बातें। अरे भाई आप ही की भलाई कर रहा हूँ, बुराइयां की है ना, जब ही जाके कहीं 6,000 कार्टन का ऑर्डर मिला है। अरे बाबा बकवास बंद करो, हमको ऐसी कमाई नहीं चाहिए जो हमारे भाइयों की बुराई करके हासिल हो। तो ये भी तो आपका अपना ही कारोबार है दूध के डब्बे का। बाढ़ में गया ऐसा कारोबार, हमारे दूध वाले भाई सबसे पहले। अरे यार एक तो आप नाराज फौरन हो जाते हैं, आप सेठ साहब है यार, सेठ साहब लानत भेजे दूध वाले पे। अरे बाबा हम दूध वाले हैं और याद रखना हम अपनी पहचान कभी नहीं भूलते, चाहे एक गाय हो या फिर 1,00,000, हम दूध वाले ही रहेंगे बाबा। आप तो नाराजी हो गए, बात ही तुमने ऐसी की है बाबा, नाराज तो होना बनता है, तुम हमारे दूध वालों के भाइयों के गले पे छुरी फेर रहा है। खट्टा मीठा, खट्टा मीठा। अरे मुंजी गाऊ मुझे बता के मैं क्या करूं, ये दुनिया वाले हमारे दूध वाले भाइयों के साथ इतना जुल्म क्यों कर रहे हैं, मेरा तो दिल खून के आंसू रो रहा है बाबा। बाबा ये तो बारिश भी हो रही है, मैं तुझे अंदर भी नहीं रख सकता, सीमा मुझे अंदर नहीं रखती है बाबा, मैं तुझे अंदर कैसे रखूंगा मुंजी गाऊ। अरे बाबा कौन आ गया इस वक्त, मैं देख के आता हूँ। आओ बाबा आओ बैठो, आओ बाबा आओ, आओ बैठो बाबा बैठो। अरे बाबा ये क्या है बाबा? अरे बाबा ये भालू है। बाबा भालू तो नहीं, ये तो गाय है। जब पता है कि ये क्या है तो फिर पूछता क्यों है? अरे बाबा मेरा मतलब है कि नकली गाय। हाँ बाबा तो असली घर है ना, ये बाड़ा तो नहीं है। हाँ ये बात है। हाँ बाबा ये बताओ आए क्यों हो? बाबा मेरे को आज आपका मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हाँ बाबा दूध वालों के बारे में कोई गलत बात करते ना तो मेरा खून खौल जाता है।
बाबा अभी हमारा तो किस्मत ही खराब है ना, अभी हम बताओ हम गरीब लोग क्या करें, किससे बात करें, बात ही नहीं कर सकते। अरे बाबा तुम लोग खुद कुछ क्यों नहीं करते हो? अरे सही हम क्या करें, आप जैसा बड़े लोग भी दूध वाला होकर कुछ नहीं करते सही, तो हम क्या करेंगे? अरे बाबा हमारे साथ तो और भी बहुत मजबूरियां हैं। वैसे सही एक सवाल है आपसे। हां पूछो बाबा। सही आप ये बताओ मुझे कि आपके घर वालों को सबको पता है कि आप सबको बताते फिरते हो कि आप मालिक? क्या बकवास है बाबा, कितनी दफा बताया है तुम्हें, तुम्हें यकीन नहीं आता ना? अभी रुको एक मिनट। ओ जानी आया आया आया। अरे बाबा इधर आओ। जी जना। आप बाबा इसे बताओ कि हम कौन है? दूध वाला। अरे बाबा असली में बताओ ना कि हम कौन है? असली में भी दूध वाले हैं, याद है ना, एक हो या एक लाख गाय। बाबा इसको पूरा बताओ कि हमारे कितने बाड़े हैं, कितनी भैंसे हैं और ये घर किसका है। अच्छा तो फिर सुने। अरे बाबा 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 मैं समझ गया बाबा। सर ये कौन है? अरे बाबा ये ऐसी दूध वाला, मेरा मतलब है कि दूध वाला भाई है हमारा, ये खास एकदम खास आदमी है। अच्छा तुम बकवास छोड़ो और जाओ हमारे मेहमान के लिए चाय लेकर आओ, जाओ। चाय में दूध डाल के लाऊं या खुद डाल लेंगे? अरे बाबा जानी तुम तो बात को दिल पर सीरियस ले लिया है। बाबा तुम नौकर आदमी है, हम तुमसे आधा काम तो करवाएगा नहीं। जाओ बाबा पूरा दूध पूरी चाय, जाओ जाओ जल्दी लाओ बाबा, शाबाश नौकर आदमी। बताओ बोला पहले कमी थी जो एक और दूध वाला आ गया, तरीक कब कैसा होता रहेगा मेरे साथ। ओहो मुंह में क्या दूध उड़ाए जा रहे हो आप, तो बात ना ही करें तो अच्छा है। बच्चों के साथ रह रहे के ना आप भी गवालन बन गई हैं। बहुत सुनो, होश में हो तुम? हाँ देख मैं और गवालन नहीं बनी तो बन जाएगी। ओहो क्यों इतने चिड़चिड़े हो रहे, हुआ क्या है? पता नहीं कोई बार दूध वाला आया हुआ, ऑर्डर मार दिया चाय लेके आ जाओ और बेइज्जती अलग कर दी। चलो शुक्र है किसी को मेरी इज्जत की परवाह तो है। तुम्हें क्या लग रहा है, मुझे तुम्हारी फिक्र है, इतनी टेंशन हो रही है। अगर बच्चों को दूध वाले के साथ बैठा हुआ किसी ने देख लिया तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? बच्चों ना हर आदमी को अपनी पड़ी हुई है यार। हाँ हाँ चूड़ियों मोकल नस तो के मोकला रे चले नस। हाँ एक मिनट भी फोन के आंदी क्या है? अरे क्या हर वक्त बच्चू बच्चू मेरे अदा को ढूंढती रहती है फारिग औरत। मैं और फारिग पूरा का पूरा कारोबार मैं चलाती हूँ समझी? मेरे अदा को तो तू संभाल ही नहीं सकती, चली है बड़ी कारोबार संभालने के लिए। तुमसे बात करना तो ऐसे है जैसे भैंस के आगे बीन बजाना। अरे अपने आप को भैंस नहीं बोल, हमारे बाड़े में ना तेरे से ज्यादा खूबसूरत भैंस है। ओहो मैं खुद को भैंस नहीं बोल रही, मेरा अदा भैंस तो हो नहीं सकता क्योंकि वो तो आदमी है। मैं तुमको भैंस बोल रही हूँ। अरे नहीं नहीं हमारे बाड़े में इतनी खूबसूरत भैंसे भी नहीं हो सकती। ओ, ओ, तुम्हें से एक सवाल किया था कि बच्चों कहाँ हैं, सारी बातें करती ये नहीं बताया। हाय 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 हर वक्त चिल्लाती रहती है। हमारा लीडर कैसा हो? बच्चू भाई जैसा हो। हमारा लीडर कैसा हो? बच्चू भाई जैसा हो। अरे बाबा आप लोगों ने घबराना नहीं है, जब तक बच्चू आपके साथ है ना आप लोगों का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। हमारा लीडर कैसा हो? बच्चू भाई जैसा हो। सब मिलकर बोलो हमारा लीडर कैसा हो? बच्चू भाई जैसा हो। हमारा लीडर कैसा हो? बच्चू भाई जैसा हो। वाह बाबा वाह मजा आ गया। बच्चू खबरदार बच्चू भाई बोलो। अरे बाबा मरवाएगा क्या, मेरी बेगम है बाबा, क्या बात करता है वो, मुझे बच्चू भाई कैसे बोलेगी। आए ना भाभी आप भी हमारे बेटे भाभी भाभी हमारा भाभी हमारा भाभी। बच्चू आप मेरी बात सुने। नहीं बाबा अभी हम अंदर नहीं आ सकते, अभी हम अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। बच्चू मेरी बात नहीं सुन रहे ना? नहीं बाबा उस वक्त तक नहीं सुनूंगा जब तक हम इन गरीब दूध वालों को इनका हक नहीं दिलवा देता बाबा। बच्चू माय कॉबॉय प्लीज सुन ले बात। अच्छा बाबा मसला ये है कि अभी हम अंदर से आता है दिल का मामला है ना बाबा, आप लोग बैठो हम आते हैं। चलो बाबा चलो आजो बाबा आजो आजो बाबा। हमारा लीडर कैसा हो? बच्चू भाई जैसा हो। हमारा लीडर कैसा हो? बच्चू भाई जैसा हो। बच्चू ये सब क्या चल रहा है? अरे बाबा कुछ नहीं चल रहा है, सब बैठे हैं, आपने मुझे चलवा दिया है। ओहो मेरा मतलब ये बाहर क्या ड्रामा रचाया हुआ है? अरे बाबा ड्रामा नहीं है फिल्म है, फिल्म वो भी बहुत गमगीन फिल्म जिसमें विलन सारे लोग हैं और हीरो ये बेचारे दूध वाले। ओहो बंद करिए तमाशा और जो भी बैठे ना उन सबको अपने अपने घर भेजे। नहीं बाबा ऐसा नहीं हो सकता, अभी तो हमारी मुहिम शुरू हुई है। मुहिम? हाँ बाबा दूध वालों को इंसाफ दिलाने की मुहिम। ओहो बच्चू ये सब यहाँ नहीं होता, ये आपका गांव नहीं है। अरे बाबा हमारा गांव होता ना तो हम एक एक को खुद देख लेते, यहाँ शहर पे दूध वालों के साथ ना इंसाफी हो रही है जुल्म हो रहा है बाबा।
अगर पापा को पता चल गया तो क्या सोचेंगे वो, कितना गुस्सा करेंगे। अरे बाबा वो भी दूध वाले हैं, वो भी दूध का काम करते हैं, अगर गैरत होगी तो कुछ नहीं बोलेंगे वो। वो दूध वाले नहीं, समझ में आई, वो टेट्रा पैक डब्बे के दूध का काम करते हैं। हाँ तो बाबा क्या हो गया, लोग उनका डब्बा खाते हैं क्या, उसके अंदर का दूध ही पीते हैं ना, तो इस हिसाब से वो दूध वाले हुए। इसका मतलब तुम नहीं मानोगे? नहीं बाबा, आज तो मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा। बच्चों मैं क्या करूं, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया और मुझे तुम्हारी टेंशन हो रही है, तुम्हारे बगैर मैं भी नहीं खा सकती, मुझे बहुत भूख लग रही है। बच्चों मैं कावबॉय प्लीज। अच्छा पापा आपने कह दिया है तो फिर मैं बाहर बोल के आता हूं। हां ओके माय कावबॉय गो। खट्टा मीठा खट्टा मीठा। हमारा लीडर कैसे हो? बच्चू भाई जैसा हो। हमारा लीडर कैसे हो? बच्चू भाई जैसा हो। अरे बाबा मसला ये है कि आपकी मैडम रानी साहिबा जो हैं, लीडर मैडम रानी साहिबा, वो जरा उनकी तबीयत नासाज है, तो हमें आज की मीटिंग जो है ना, अभी की मीटिंग कैंसिल करनी पड़ेगी। बाबा हम रात में दोबारा मीटिंग करेंगे, दोबारा मिलेंगे। बाबा अभी आप लोग जाओ, उसके बाद रात में दोबारा आना बाबा। और हाँ बाबा नए नारे तैयार करके आना, ठीक है? अरे पापा सही खुश करती, हमारे लीडर कैसे हो? बच्चू भाई जैसा हो। हमारा लीडर कैसा हो? बच्चू भाई जैसा हो। बस बाबा बस अभी आप लोग जाओ, शाबाश। हेलो साईं, हेलो 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 साईं, हेलो 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 साईं, हेलो हेलो। हमारा लीडर कैसा हो? बच्चू आखिरी तमाशा कब तक चलता रहेगा? अरे बाबा हर बात बताने वाली नहीं होती है, बस देखती जाओ। यानी शाबाश जल्दी से सबके लिए शरबत बना के लाओ, शाबाश जल्दी जल्दी। 30-40 लोग हैं, आइए मिलके शरबत बनाते हैं। शट अप। हमारा लीडर कैसा हो? हमारा लीडर कैसा हो? याद रखना बाबा, यहीं से हम दूध वालों की जिंदगी में इनकलाब आएगा बाबा, पूरी दुनिया हम दूध वालों के सामने झुक जाएगी। अरे बाबा रशिया चाइना और अमेरिका का सदर भी दूध वाला होगा। असीमा मैडम जरा ठीक है साइड पे जा। ठीक है ये शरबत बाल्टी में? हाँ हाँ 30-40 लोगों के लिए जो है वो बाल्टी में ला रहा, गिलास में तो आने जरा। हाँ तो मुश्किल से 10-12 लोग हैं, बाहर वैसे भी तो हो सकती है ना। मुझे ऐसा लग रहा है ये मजमा जो है ना बढ़ने वाला है, तो कुछ करें ना, रोके इनको। कितना रोकूं, हर तरकीब लगा ली मगर बच्चे तो पागल ही हो गए। एक आदमी है जो कर सकता है, बेग साहब। वो कैसे? चले सब मिलकर बोलो, कैसा हो? बच्चू भाई जैसा हो। हमारा लीडर कैसा हो? बच्चू भाई जैसा हो। बाबा एक मिनट बाबा, आप लोगों ने जाना नहीं है, सब यही रुको। जानी अभी जूस लेकर आ रहा है, जूस पी कर जाना बाबा, ठीक है? हमारा लीडर कैसा हो? बच्चू भाई जैसा हो। हमारा लीडर कैसा हो? बच्चू भाई जैसा हो। ओहो कहाँ रह गए? क्या हुआ मुझे, तुम लोगों ने इतनी जल्दी में क्यों बुलवाए? वो सारे दूध वाले ना हमारे घर में जमा हो गए। क्या, लेकिन तुम लोग तो खुद दूध वाले हो। अरे हम तो डब्बे वाले हैं, वो खुले दूध वाले हैं। मिलाओ बेटा ना। जी जी, और सब लोग मिलकर ना हमारे घर में एहतजाज करें, और तो और उन्होंने बच्चों को भी अपने साथ मिला लिया। आप लोग फिक्र ना करें, आप लोग आराम से घर में बैठे अंदर, कानून सब देख लेगा। एक मिनट, कानून कैसे देख लेगा, कानून तो जबकि अंधा होता है। बेटा जब मैं तुझे उठा के ले गया ना और तेरी अंधी चिट्रोल की, तो तुझे सब पता चल जाएगा कि कानून अंधा होता है कि नहीं। हाय अल्लाह, मैंने आपसे कहा है ना, इसकी तो मजाक करने की आदत है। ठीक है आप लोग जाएं, मैं देखता हूँ। सब बच्चों को थोड़ा हल्का हाथ रखिएगा। देखिए बीबी, कानून के हाथ जब कोई लग जाता है ना, तो कानून हल्का और भारी नहीं देखता। ठीक है मैं कोशिश करूंगा, लेकिन बाकियों के मुतालिक मैं जिम्मेदारी नहीं लेता, ये मैं पहले बता देता हूँ। ये ठीक है, और आपने बाकियों को छोड़ना नहीं है, ये धनाधन देनी है। ठीक है अब हम आपका अंदर वेट कर रहे हैं। ओके हमारा लीडर कैसा हो? बच्चू भाई कैसा हो? हमारा लीडर कैसा हो? ओए खामोश, क्या हो रहा है ये सब? अरे बेग साहब आप आ गए, अच्छा हुआ आप आ गए, आ जाओ सही आ जाओ। ओए चुप, वहीं बैठे रहे। एक तो पानी मिला दूध बेचते हो, ऊपर से शरीफों के घर में बैठकर शोर करते हो तुम लोग। हम भी शरीफ हैं, हम क्या बदमाश हैं? ओए चुप करके बैठे रहे,
जानता है मैं कौन हूँ? अरे बाबा तुम हमको नहीं जानते, हम कौन है? हम दूध वाला है, दूध वाला। अरे बाबा एक दिन में हम जितना कमाता हूँ आप पूरा महीना भी नहीं कमा सकते हो। अच्छा वो कैसे? अरे बाबा बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। बहुत सारा पानी लियो और थोड़े से दूध पिलाओ। वाह वाह वाह, सही वाह, क्या पता है, वाह वाह, क्या वाकई। अरे वो बेग साहब कहाँ है? क्या बातें हो रही थी अपनी दोस्त से? दुपट्टे की पीको की। ये क्या होता है? हंस क्यों रहे हो तुम? अरे बच्चू भाई और वो भी डॉक्टर, कमाल है। ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं है। शिमायला ने बताया कि इस दफा आप लड़की देखने के लिए पाकिस्तान आए हैं। लोग अमेरिका में लड़कियां देखने जा रहे हैं, आप पाकिस्तान लड़की देखने आ रहे हैं, कमाल। आप अमेरिका में कहाँ रहते? मैं वो बुश कॉलोनी। बुश कॉलोनी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। उससे पहले मैं ओबामा वार्ड 2.5 नंबर में रहता था। ओहो, मेरा ये मतलब नहीं है। तुम्हारा जो मतलब है ना, मुझे अच्छी तरीके से पता है। अदा ये तो चाहती ही नहीं कि मेरी शादी हो, मैं बूढ़ी हो जाऊँ इस घर में। बाबा तुम किस चीज का डॉक्टर है? मैं बेहोशी का। अरे बाबा ये क्या होता है, बेहोशी का भी डॉक्टर होता है क्या? मुझे थोड़ी संजीदा बातें करनी है अब। अरे बाबा तो हमसे कर ले, हम काफी संजीदा है उससे ज्यादा, और हम उससे बड़े हैं। यार मुझे शादी आपसे थोड़ी करनी है, जिससे शादी कर रहा हूँ उसी से बात करूंगा। गाड़ी में कौन बेहोश पड़ा हुआ यार? इम्प्रोवाइज नहीं, मतलब क्या है वट्टा सट्टा, दोनों कर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ न जाए इनका फट्टा, कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा।